चलो चालू करते हैं। देखो भाई, अब हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन टू डायमेंशंस और वेक्टर। मोशन इन टू डायमेंशन एंड वेक्टर और वेक्टर्स इस चैप्टर में। तो 2D मोशन क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? व्हाट इज 2D मोशन? 2D व्हाट इज 2D मोशन? जिसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो। देखो अच्छा, वो मोशन जिसमें बॉडी एक्स और वाई मतलब एक प्लेन में मूव कर रही हो, जिसमें एक बॉडी प्लेन में मूव कर रही हो, ऐसे को हम कहते हैं 2D मोशन। ना बॉडी ट्रेवल इन अ प्लेन, मतलब एक प्लेन जैसे एक्स और ये वाई है और ये प्लेन हो गया, जैसे एक बॉल को फेंका हमने, बॉल ऊपर गई और नीचे आई, एक प्लेन में बॉडी मोशन में है, इसको हम लोग कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। कोई डाउट बच्चों? इसी प्रकार का इसमें बच्चों हमें सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ना पड़ जाता है जिसका नाम है वेक्टर्स। अब देखो बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, ये जो बच्चा इस वेक्टर्स को समझ सकता है समझ सकता है, जो नहीं समझ सकता उसके साथ बहुत दिक्कत है। ये क्लास और इसके आने वाली क्लासेस इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ध्यान से सुनना बच्चों, चालू कर रहे हैं वेक्टर्स, वेक्टर्स की स्टडी चालू कर रहे हैं, बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगा बच्चे। वेक्टर्स क्या होता है? कोई भी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन होती है प्लस मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम लोग मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल दो बच्चों, कोई भी एग्जांपल दो, बोलो भाई। वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो हो गया, ये हो गया। एक बॉडी पे जैसे हम फोर्स भी लगा रहे हैं, जैसे एक बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, हमारी बॉडी है, इस पर हमने राइटवर्ड फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। हमें सिर्फ 10 नहीं, साथ में डायरेक्शन भी अटैच करनी चाहिए, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। 10 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन अटैच कर दी। अब बच्चे कहते हैं सर डायरेक्शन अटैच कैसे करें, हमें समझ में नहीं आ रहा डायरेक्शन अटैच। कई बार हम डायरेक्शन अटैच करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं 10 मीटर ईस्ट वेस्ट, ऐसे करके लिख सकते हैं ईस्ट वेस्ट, ऐसे साउथ नॉर्थ करके अटैच कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास ये, हमने डायरेक्शन ले ली, तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ठीक है। तो मान लो बच्चों हम 10 मीटर गए O टू A, तो क्या लें इसको, क्या लिखें, क्या लिखें बोलो? 10 मीटर साउथ, साउथ 10 मीटर इन साउथ डायरेक्शन, ठीक है, लिख सकते हैं। डाउट बच्चों बोलो? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई और ये एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और साथ साथ में डायरेक्शन भी शामिल है। कैसे है भाई ये डिस्प्लेसमेंट हो गई? ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये क्या हो गया, साउथ डायरेक्शन। कोई डाउट बच्चे बोलो? बोलो भाई बोलो। नो सर। तो मैग्नीट्यूड भी शामिल है और साथ साथ में डायरेक्शन भी शामिल है इसके अंदर, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। ये तो एक तरीके की रिप्रेजेंटेशन है। जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं ना, उसके ऊपर एक ऐसा सा लगाते हैं, जैसे एस ऊपर ये एरो सा लगाते हैं, ये दिखाते हैं कि ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे आमतौर पे फोर्स लिखते हैं, तो फोर्स ऐसे नहीं, ऐसे लगाते हैं, एरो लगाते हैं, समझे बच्चों? ये वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए दिखाया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी को इस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं। कोई डाउट बोलो बच्चों? बोलो भाई बोलो। यार कोई बोलता क्यों नहीं है बच्चों? यस सर, क्लियर। हाँ शाबाश बच्ची, ऐसे बोला करो, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों, अब हम आते हैं, देखो सबसे बेसिक वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर, सबसे बेसिक वेक्टर क्वांटिटी होती है पोजीशन वेक्टर। क्या पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है? बिल्कुल, पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, किसी भी बॉडी की पोजीशन जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्चुअली क्या होता है, पोजीशन बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी यूज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी यूज कर सकते हैं,
कैसे? मान लो हमारे पास ये है वाई कोऑर्डिनेट और ये मान लो ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट। एक पॉइंट ए है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 4, वाई कोऑर्डिनेट 2। तो अब 4, 2 ए पॉइंट की पोजीशन बता रहा है। कोई डाउट बच्चों? बोलो भाई बोलो। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? इसका पोजीशन वेक्टर एक तो ऐसे ड्रॉ किया जाएगा कि ओरिजिन से चला और यहाँ पहुंचा, ऐसे एरो लगाया जाएगा। मतलब ये क्या दिखा रहा है? ओ से ए गया, वो बॉडी मतलब उसकी पोजीशन है फ्रॉम ओ टू ए। उसकी पोजीशन पोजीशन ऑफ बॉडी इज फ्रॉम ओ टू ए, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या होगा? मान लो पोजीशन वेक्टर को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, इसको लिखा जाएगा 4i + 2j। अब बच्चे कहते हैं सर ये i और j कैसे आ गया? पहले बताओ बच्चों। सर ये i के ऊपर क्या? हाँ बताती हूँ, बिल्कुल 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 सब बताते हैं। रुको रुको बच्चे, सब बताते हैं। बॉडी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बताओ? बॉडी के कोऑर्डिनेट है 4 इन x डायरेक्शन, ठीक है, और 2 इन y डायरेक्शन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ वेक्टर, जब वेक्टोरिकली किसी चीज को लिखते हैं तो x के लिए हम लोग आई कैप यूज करते हैं डिनोट करने के लिए। आई कैप, आई के ऊपर टोपी, कैप मतलब टोपी, पता ना बच्चों, टोपी। और y के लिए j कैप यूज करते हैं। कोई बच्चों डाउट? कोई डाउट? समझे नहीं समझे? तो x के लिए हमने यहाँ क्या किया, 4i + 2j, मतलब 4i मतलब 4 in x direction एंड 2 in y direction। कोई डाउट बच्चों? सबसे बेसिक वेक्टर सीख गए बच्चों, पोजीशन वेक्टर सीख गए। फोर आई प्लस टू जे मतलब आई एक्स के लिए होता है, जे वाई के लिए होता है, अगर के भी हो। वैसे तो हम लोग टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, बट जेड डायरेक्शन के लिए हो तो के भी होता है, आई जे के। एक्स वाई जेड को आई जे के से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई डाउट बच्चों? बोलो, कोई डाउट? ठीक है, शाबाश, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, हम आपको एक चीज बताते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कभी भी बात करें, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, पता है आप लोगों को? डिस्प्लेसमेंट जैसे मान लो हमने लिख दिया, इसको लिख दिया एस, ये होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कोई डाउट? डाउट नहीं? डाउट नो नो सर। चलो अच्छा, शाबाश। अब हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। मान लो एक बॉडी है जो कि है ओरिजिन पे, ओ पॉइंट पे रखी हुई है, यहाँ का कोऑर्डिनेट है 0, 0। अब बॉडी आ गई ए पे, यहाँ का कोऑर्डिनेट है 3, 4। इनिशियल पोजीशन क्या हुई बॉडी की? इनिशियल वेक्टर क्या हुआ? 0i + 0j। फाइनल वेक्टर क्या हुआ? इस पे वेक्टर लगा देते हैं। फाइनल वेक्टर क्या हुआ बोलो? 3i + 4j लगा दें, ठीक है, आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बोलो बच्चों? बोलो, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0i + 0j - 3i। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, फाइनल इनिशियल को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 3i + 4j। ये कौन सा वेक्टर हुआ? ये हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या हुआ? क्या हुआ बच्चों? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब क्या मतलब है बच्चों इसका? 3i + 4j का क्या मतलब है? 3 on x and 4 on y। 3 meter डिस्प्लेस हुआ x में और 4 meter हुआ y में। जब हम लोग कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, जैसे कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे इफ यू हैव वेक्टर क्वांटिटी, जैसे ये हुआ एक्स कोऑर्डिनेट, ये हुआ वाई, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं। बट एक वेक्टर क्वांटिटी में एक टर्म और यूज की जाती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये क्या था? ax i कैप। ये अच्छा, कोई भी जैसे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, ऐसे लिख दिया, आई कोऑर्डिनेट भी और जे कोऑर्डिनेट भी है। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। अब एक टर्म यूज करते हैं, हम डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है? देखो जैसे ये क्वांटिटी है,
बॉडी एक्स में कितना गई, तीन गई, वाई में कितना गई, चार गई, बट ओवरऑल बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट ली। देखो जब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं टू डायमेंशन मोशन, ये है टू डायमेंशन मोशन, इसमें हम मेनली वेक्टर्स यूज कर रहे हैं। टू डायमेंशन मोशन में खास बात ये होती है, हम एक्स को अलग स्टडी करते हैं एंड वाई को हम लोग अलग स्टडी कर रहे हैं, दोनों को कंबाइन नहीं कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप देखो भी यहाँ पे तो 3x + 4, 3i + 4j, 3 इन x डायरेक्शन एंड 4 इन y डायरेक्शन लिखा हमने ये। बोलो अच्छा बोलो, कोई है यार बोलने के लिए या नहीं? हाँ हाँ सर। यस सर। जी सर। ठीक है, तो 3x में है, 4y में है, हम x की डिस्प्लेसमेंट अलग ले रहे हैं, y की अलग ले रहे हैं, बट ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? अब देखो बॉडी है ये देखो, ये x की डिस्प्लेसमेंट हुई, ये y की हुई, ये x की डिस्प्लेसमेंट हुई, ये y की हुई, बट ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो ये हुई ना फाइनल, ये कितनी हुई? तो आप कहोगे सर मैं पाइथागोरस से निकाल सकता हूँ। पाइथागोरस से कैसे निकाल सकते हो? देखो x में कितनी हुई, 3 हुई, ये नीचे कितना हो गया, 3 मीटर हो गया, y में कितनी हुई, 4 मीटर, बट ओवरऑल कितनी हुई बताना बच्चों, कोई बच्चा बताएगा O से A ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 5 मीटर। शाबाश, कैसे निकालोगे? पाइथागोरस लगा दोगे, पाइथागोरस लगाओगे तो एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, एक डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, एक डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, और एक होती है ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स और वाई तो ये हो गया, बट ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, बट ये कैसे आए? इसका कोई फॉर्मूला है हमारे पास क्या? हर बार पाइथागोरस लगाओगे? नहीं, एक फॉर्मूला होता है इसका बच्चों। जैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब ओवरऑल वैल्यू निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि उसको ऐसे लिखते हैं, मॉड लगा देते हैं, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फॉर्मूला ये, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई वाले के साथ जो होता है उसका स्क्वायर कर दो, और जे वाला जो कंपोनेंट है, वाई वाला एक्स वाला कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो प्लस वाई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। बच्चे पूछते हैं सर ये देता क्या है? जैसे मान लो ये क्वांटिटी है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना था, पहले तो मॉड लगाया, मॉड समझ में आ रहा है? दो डंडी इसे मॉड कहते हैं, दो डंडी लगाए इसे क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। ऐसा समझ में आ रहा है भाई? नहीं आ रहा? मॉड मॉड लगाया। यस। फिर आई वाले का स्क्वायर कर दिया, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर कर दिया, कोई डाउट? नो। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 9 और 16 क्या आ जाएगा, 25, 25 रूट में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सर मुझे एक बात बताओ सर, सर हमें इतनी मत्तापच्ची क्यों करनी है वेक्टर लगा के, अगर पता है मतलब यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट में बताना ही क्यों है? देखो अच्छी चक्कर क्या है कि जैसे जैसे आगे के लेवल पे जाते जाते हैं ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब ये सब जो बेसिक मैथमेटिक्स है ना, इसमें दिक्कत होना चालू हो जाती है। तो हायर मैथमेटिक्स हम डेवलप कर लेते हैं जिसमें कैलकुलेशन आसान हो जाती है, समझी? वेक्टर्स हमने पूरी एक अलजेब्रा डेवलप की हुई है जिसे कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन मोशन को वेक्टर अलजेब्रा के बिना स्टडी करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, तो एक मैथमेटिक्स ही डेवलप कर लिया हमने। कोई भी 2D या 3D चीज हो, जैसे ऐसे तो कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन में भी होते हैं, जैसे मान लो 2, 3, 4 एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो गया, जेड कोऑर्डिनेट हो गया, बट उनको स्टडी ज्यादा बेहतर करने के लिए, क्योंकि डायरेक्शन वगैरह भी लेनी होती है, तो हम वेक्टर्स ही एक ब्रांच बना रखे, वही स्टडी करते हैं। तो खैर अभी आप समझे बच्चों, जैसे हमारी डिस्प्लेसमेंट है 3i + 4j, तो 3i मतलब 3 इन x 4 इन y, बट ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट इज 5, और ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने क्या नाम दिया, क्या नाम दिया बोलो? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हाँ, और मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5। क्या मैग्नीट्यूड है बोलो? 5। क्या मैग्नीट्यूड है बोलो? 5 है। समझे बच्चे? नहीं समझे? 5। क्लैरिफाई हुआ? यस सर। तो देखो बच्चों, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है उसकी ओवरऑल वैल्यू। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर ना वो सब कुछ नहीं छिप, मतलब छिपा सब कुछ होता है, बट दिखने में सिर्फ एक्स और वाई आता है कि एक्स में इतना वाई में इतना, बट ओवरऑल नहीं बताता। ओवरऑल निकालने के लिए उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है। अब बात समझे नहीं समझे? जैसे मान लो हम आपको एक टास्क देते हैं,
भाई एक बंदे की डिस्प्लेसमेंट है, एक बंदे की डिस्प्लेसमेंट है 2i + 2j, ठीक है, बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, एक तरीके से बताओ क्या होगा मैग्नीट्यूड, बोलो। सर रूट एट, रूट एट टू रूट टू, ठीक है। अच्छा इसका क्या मतलब है, अगर एक बंदा x में 2 जाता है, y में 2 जाता है, तो ओवरऑल वो कितना गया, 2√2। समझे नहीं समझे? ओके चलो बच्चों, अब आपको थोड़ा सा और डिटेल में भी जानना है। एक वेक्टर के अंदर एक फीचर छुपा था मैग्नीट्यूड, आप समझ गए क्या होता है, बहुत ध्यान से समझते रहना बच्चों, पूरी कहानी है, जितना मैं समझा रहा हूँ शायद कोई और समझा ना पाएगा ऐसा, बट कहानी की तरह समझाऊंगा, बहुत ढंग से समझना, बाकी सब टॉपिक तो वैसे भी हो जाते हैं, इजी हैं, बट ये एक अलग चीज है जो समझानी है। इसके अलावा हम बात करते हैं बच्चों, जब वेक्टर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एंगल क्या है उस वेक्टर का, मतलब डायरेक्शन क्या है एक तरीके से। देखो बच्चों, जैसे मान लो एक बंदा है, ठीक है, उसकी पोजीशन है 2,2, जिसकी पोजीशन मान लो डिस्प्लेसमेंट 2,2,2, ओरिजिन से 2,2 पे है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई इसकी 2i + 2j, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या हुआ इसका, 2√2। अच्छा मान लो मैं कहता हूँ किसी इंसान को आपको पहुंचाना है उस पॉइंट पे, मतलब O से A पे पहुंचाना है, आप चाहते हो कोई इंसान O से A पहुंचे, ठीक है, तो आप उसे कहोगे दो तरीके से कह सकते हो, एक तो आप ये बोलो 2i + 2j चले जा, मतलब x में 2 चले जा और y में 2 चले जा, पहुंच जाएगा वो, x में 2 चलेगा और y में 2 चलेगा, पहुंच जाएगा, ठीक है। देखो जो वेक्टर क्वांटिटी भी जब हम एक्सप्रेस करते हैं उसके भी दो तरीके होते हैं, दो वेक्टर्स को एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है, पहला तरीका ये होता है, जैसे मान लो आपने लिखा एक बॉडी की वेलोसिटी लिखी 2i + 3j मीटर पर सेकंड, ऐसा लिख दिया, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। एक और तरीका होता है, आपने लिखा 10 m/s इन ईस्ट डायरेक्शन, अब ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इसको हम IJK कहते हैं, IJK वाला मेथड, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, इसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, इसको R θ कहते हैं। जैसे इसमें एंगल भी दे देते हैं, जैसे मान लो लिख देते हैं 30° with east, 30° with east, समझे नहीं समझे बच्चों, बोलो। अरे भाई समझे, 10 m/s की स्पीड से 30° east जा रहा है, 30 degree। ये भी एक वेक्टर की नोटेशन है, ये भी एक तरीके का वेक्टर ही हो गया। अच्छा किसी भी वेक्टर को ट्रांजिशन कर सकते हैं, मतलब इससे इसमें कन्वर्ट करके लिख सकते हैं और इसको इसमें लिख सकते हैं, अभी सिखाता हूँ, रुक जाओ। देखो जैसे ये हमारे पास, जैसे आपको किसी बंदे को O से A पहुंचाना है, तो आप उसको क्या कहो 2i + 2j चले जा, इसका मतलब वो क्या करेगा, बोलो बच्चों, 2i + 2j चले जा, इसका क्या मतलब करेगा, क्या समझेगा वो, पहुंच जाएगा वो A पे, 2 on x axis, 2 on, पहुंच जाएगा ना, लोकेशन पे पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंच जाएगा, यस सर पहुंच जाएगा। चलो बच्चों अच्छी बात है, अगर वो पहुंच जाता है तो अच्छी बात है। अच्छा अब दूसरे तरीके से भी पहुंचाना है मुझे, R θ के तरीके से, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है ये भी बताता हूँ मैं आपको भी। ठीक बताए, देखो बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे ये आप देख रहे हो सर, एक सर वो जो आपने मॉडल वेक्टर बताया था 10 m/s 30° वो R θ मेथड है। देखो अभी बता रहे हैं, पहले अब ये देखो, ये देखो जैसे 2 in x 2 in y है, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, कोई बच्चा बताएगा जैसे ये O हो गया, ये A हो गया,
ये एंगल कितना हुआ थीटा? 45 डिग्री. 45. कैसे निकालोगे? ट्रिग्नोमेट्री. tan थीटा. tan थीटा. ठीक है. तो एंगल कितना बना 1? तो आप सॉरी tan 1 क्या कहते हैं थीटा हो गया, tan थीटा हो गया 1. तो एंगल कितना हुआ बताना? अगर tan थीटा 1 है तो tan थीटा 1 कब होता है जब थीटा कितना? 45 डिग्री. 45. तो आप इसको लिख सकते हो 2√2 45 डिग्री विद x एक्सिस. With x क्यों सर, y भी तो? हाँ y ले लो, x ले लो, क्योंकि 45 तो सेम ही हुआ ना x और y. तो अगर आप बंदे को ऊपर वाला ना बता के नीचे वाला भी बताते हो तो भी वो अपनी पता की जगह पहुंच सकता है. कैसे? कोई बच्चा बताएगा? अगर नीचे वाला भी बताओ इसका क्या मतलब है, वो कहेगा कि 45 डिग्री चलो 2√2 मीटर यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे. पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा बताओ बच्चे, बताओ. नीचे मतलब x एक्सिस के मेजरमेंट में 45 डिग्री चलना है. हाँ, x एक्सिस से 45 डिग्री लेके 2√2 मीटर चलेगा, वो O से A पहुंच जाएगा. इस केस में भी पहुंच जाएगा. पहुंच, क्या ये दोनों सेम लोकेशन पे पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे, ये बताओ बच्चे. पहुंचा रहे हैं सर. यस सर. एक्चुअली ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है. बस उसको दिखाने का तरीका अलग है. 2i+2j वही पॉइंट है, 2i+2j वही पॉइंट है जो 2√2 45 डिग्री विद x एक्सिस के साथ आता है. मतलब कि अगर कोई बंदा 45 डिग्री चले x एक्सिस के साथ 2√2 मीटर, या फिर कोई बंदा 2i+2j चले, वही वो बंदा वहीं पे पहुंचेगा. तो इसे इसमें हमने एंगल भी अलग से निकाला, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेके एंगल भी निकाल लिया. तो एंगल कैसे निकालते हैं बच्चों, देखो एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है. मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको सिखाया था, एंगल का फॉर्मूला सिखा देते हैं. अगर आपको x एक्सिस के साथ एंगल निकालना है, जैसे कोई वेक्टर है हमारा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, तो tan थीटा होता है y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट, और थीटा होता है एंगल विथ, हाँ जी, एंगल विथ x एक्सिस. समझे नहीं समझे? किस चीज का सर, मुझे बता दो. ये अच्छी, जैसे 2i+2j को हमने 2√2 45 डिग्री में कन्वर्ट किया ना. यस सर. उसको कन्वर्ट करने के लिए देखो, जब भी वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में दो फॉर्मूले यूज होते हैं, एक मैग्नीट्यूड का और एक डायरेक्शन का. ये डायरेक्शन का फॉर्मूला है ऊपर वाला. हाँ जी, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ही, देखो ये हो गया मैग्नीट्यूड का, ये हो गया मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला. कोई डाउट? अब क्वेश्चन करेंगे तो ही सीखेंगे, बिना क्वेश्चन के तो सीख ही नहीं पाएंगे. बड़े बच्चों क्वेश्चन पे, बड़े क्वेश्चन पे. yes. चलो एक सेकेंड सर, मैंने लिखा है. Yes, sir, देखो एक दबा. एक बंदा ओरिजिन से गया 5.55 पे, एक बंदा है ओरिजिन से गया 5.5 पे, बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा. पहला पॉइंट. दूसरा ये बताओ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा. ए से बी तक जाना है ना? हाँ जी बोलो. ए से बी तक जाना है ना? हाँ जी. आपके बच्चे पीछे कार्टून चल रहा है क्या? सर वो मेरी सिस्टर देखी थी. क्या 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 होगा बच्चे, बताओ क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताओ क्या होगा. 5i कैप प्लस 5j कैप.
बच्ची, पहले का आंसर तो ये हो गया। यस सर, मेरा भी सेम है। 5y cap + 5j cap। और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? π√2। π√2 5 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर 5√2। ठीक है, डायरेक्शन 10θ परपेंडिकुलर बाय बेस 5/5। थीटा क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। ऊपर वाला और नीचे वाला इक्विवेलेंट है, पता है बच्चों? बात बराबर ही है। मतलब कि जितनी इंफॉर्मेशन इसमें छुपी है और इसमें इसकी इंफॉर्मेशन सेम ही है। समझे नहीं समझे? हाँ जी सर, क्लियर। अच्छा, अगर जैसे आपको लोकेशन पे पहुंचना है, बी पे पहुंचना है, चाहे आपको कोई बोले 5y π + 5j से चले जाओ, तो वो भी बी पे पहुंच जाएगा पहले तरीके से। और कोई ऐसा बोल ले 5√2 मीटर चलो 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ, तो भी आप बी पॉइंट पे पहुंच जाओगे। समझे या नहीं समझे? क्योंकि ये जो ए से बी का डिस्टेंस कितना है बच्चों, जो ए से बी का डिस्टेंस है वो कितना है? 5√2 है। बोलो भाई। यस सर। क्लियर और नॉट? क्लियर सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। समझ गए अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। सर क्लास कितने बजे ओवर होगी? टाइम कितना हो गया? 47 हो गया, तो थोड़ी सी देर और पढ़ाएंगे, अच्छी क्लास ओवर कर देंगे बस थोड़ी सी देर। क्योंकि चक्कर क्या है, वैसे भी अब वेक्टर्स चल रहे हैं, वेक्टर में कंफ्यूजन बहुत हो जाता है ज्यादा पढ़ाने पे, आफत आ जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो बच्चों कुछ चीजें दिखा देते हैं नोट से, उसके बाद चालू करते हैं आगे। वेक्टर बहुत बहुत ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है ना बच्चों, जिसको अगर नहीं पढ़ाया तो 12th क्लास भी खराब हो जाती है। अब हमारे बच्चों के मार्क्स वार्क्स अच्छे क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उन्होंने बेसिक अच्छे से पढ़ा हुआ होता है, तो कर लेते हैं वो लोग। अगर बेसिक नहीं करोगे, बेसिक खराब कर दोगे, तो कुछ नहीं हो पाता बच्चों। खोल लें बच्चे, ओपन कर लें। देखो बच्चों, दिख रहा है स्क्रीन पे कुछ आ रहा है? यस सर। पहले क्या दे रखा है? धीरे धीरे आ रहा है। धीरे धीरे आएगा, बिल्कुल बुलेट की तरह तो नहीं आएगा। ठीक है, एक हो गया स्केलर्स और एक हो गया वेक्टर्स। वेक्टर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है सर। ठीक है, फिर क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कोई डाउट? कोई डाउट बोलो भाई, कोई डाउट? नो सर। पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब आते हैं एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे। अब आते हैं एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे। देखो बच्चों, जब दो वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं, जब दो वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं, जैसे मान लो उत्तरी एक और बच्चे के 95 आए, मैसेज आ गया उसका 95 की लाइन लग गई हमारे पास। कांग्रेचुलेशन सर। यार कांग्रेचुलेशन क्या, जिस साल रिजल्ट आया उस साल बच्चों से मिल ही नहीं सकते हैं, ये भी देखो ना अजीब चीज है। वैसे
जब रिजल्ट आता तो बच्चों को बुला के बात करते थे, अब संडे को वीडियो कॉलिंग ही कर पाएंगे बस बच्चों से. और मैं भी थोड़ा ठीक ठाक अभी बिजी हूँ फिलहाल, तो मैं भी संडे को ही बात करूंगा इन लोगों से भी. हाँ, जब इतने बच्चों के 95 मार्क्स हैं तो कोई बुला नहीं सकते, नहीं मिल सकते इनसे कब तक, लंबे टाइम तक नहीं मिल सकते फिलहाल तो, क्योंकि इकट्ठा ही नहीं कर सकते, इतनी गैदरिंग ही नहीं कर सकते. 25-30 बच्चे कहाँ से जमा कर देंगे एक जगह पर. चलो अच्छे है. हाँ तो देखो अच्छो, मान लो एक बॉडी है, ये एक ब्लॉक है, इस पे फोर्सेस लग रहे हैं. तो एक फोर्स लग रहा है राइट साइड, मान लो लेट अस टेक ऐसा लग रहा है राइट साइड, और ये लग रहा है. हेलो बोलो बच्चे बोलो. हेलो, क्या आवाज में कोई दिक्कत आ रही है? नो सर. ठीक है,